हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज़ पार्ट नंबर 10 ऑलरेडी। अब तक हम लोग जो वेक्टर में देख चुके हैं, एडिशन देख चुके हैं, सब्सट्रैक्शन देख चुके हैं और फिर उसके बाद बेसिक वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, यानी काफ़ी सारा वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कुल मिला के। अब हम पार्ट नंबर 10 पे हैं वेक्टर के। ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन यानी जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो रेजोल्यूशन है ना, एक्चुअली कोई भी वेक्टर जो है, आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर जो है, जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे तो कोई भी वेक्टर तीन डायरेक्शन, बेसिकली हम तीन डायरेक्शन बता सकते हैं, एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, जेड में हो सकता है। अब इसके निगेटिव भी होते हैं, तो एक्स का माइनस एक्स भी है, वाई का माइनस वाई भी है और Z का माइनस Z भी है। और इन्हीं के लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस भी लिखे थे, यूनिट वेक्टर्स, मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको, यूनिट वेक्टर्स अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस और डायरेक्शंस ऑफ X, Y एंड Z एक्सिस। आप अगर इस बात को नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस पे जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज़ एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है आई कैप से। दिस इज़ वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है जे कैप से। और दिस इज़ जेड एक्सिस, ये डॉट का मतलब आउटसाइड। मैं यहाँ फिर से स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये डॉट का मतलब है आउटसाइड। यहाँ इसका डायरेक्शन वेक्टर होता है के कैप, स्मॉल में। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप तो माइनस एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप तो माइनस वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस यानी बाहर की तरफ, दैट इज के कैप, तो अंदर की तरफ माइनस के कैप। इतना ध्यान रखें। अब ये तीन एक्सिस के अलॉन्ग हमें तीन डायरेक्शन पता चल गए। अब आप कोई भी वैक्टर जब लिखना चाहते हैं किसी एक एक्सिस के अबाउट, या किसी एक प्लेन पर, या फिर एक 3D वेक्टर लिखना चाहते, 3D यानी जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इस बारे में, पर एक तो होगा एक्सियल वेक्टर, एक होगा प्लेनर वेक्टर और एक होगा एक जनरल वेक्टर जो कि 3D होगा, जिसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा, तीनों आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम वन बाय वन इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़, वन डायमेंशनल वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, वन डायमेंशनल यानी एक ही डायमेंशन वाला वेक्टर, या एक्सियल वेक्टर यानी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग आने वाला वेक्टर। तो मैं देखो इसको बनाता हूँ, बड़ी सिंपल चीज़ है। या तो कोई एक्सिस एक्स के लॉन्ग वेक्टर हो सकता है, तो मैं एक इस तरीके से एक फोर्स दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो मैं अगर इसको वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, दिस इज़ दी नोटेशन फॉर वैक्टर, एफ के ऊपर बार, सो इट विल बी 10 i कैप न्यूटन, इट शुड बी रिटन लाइक दिस। As this particular vector is in one direction only, that's why it is called one dimensional vector, और एक ही axis के along है, इसीलिए इसको हम axial vector भी कह सकते हैं कि axis के along है, इसलिए axial vector हो गया। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये एक example हो गया, I can write an example like this, this is x axis, this is y axis, there can be a velocity vector which is along y axis, that is 2 meter per second. So for this vector you can write v vector is equal to 2j cap meter per second. This is the velocity vector. As I indicated, dot means outside. तो cross means inside होता है। तो अब देखो मैं एक और example के through उस cross को भी समझाता हूँ। बहुत important बातें बता रहा हूँ, एक एक बात एकदम important है, एकदम ज़्यादा important है, यानी इतनी important है कि बहुत frequently use होती है। This is x axis, this is y axis. मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखो cross. Cross का मतलब होता है inside. और यहाँ inside मैंने एक acceleration vector लिया हुआ है, that is 5 meter per second square. अगर मैं इसको vector form, ये तो magnitude है, direction inside है, अगर मैं इसको ही vector form में लिखना चाहूँ तो a vector
अब इनसाइड है इसलिए माइनस 5 k कैप और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर और यू कैन से वन डायमेंशनल वेक्टर. वन डायमेंशनल दैट इज these vectors will be having only one component that is along a single axis. हम ये भी कह सकते हैं the above vectors have only one component. सिर्फ इनके पास एक ही component है that is along one axis, that is along any of the axis, किसी भी axis के along, किसी भी axis के along. So this is like all about one dimensional vector. They will be having only one component that will be again along any particular axis. किसी एक axis के along ही उनका एक ही component, वो vector ही बोल दो या component ही बोल दो या whatever बोल दो, है ना, ये इसका component है या ये पूरा की पूरा ही magnitude है, ये इसका component है या पूरा की पूरा magnitude, ऐसा बोल दो, ये भी इसका component है या पूरा की पूरा magnitude है, ठीक है, क्योंकि एक ही एक्सिस पे पूरा मैग्नीट्यूड उसका बना हुआ है. पूरा मैग्नीट्यूड आपको किसी भी वेक्टर का देखो, पूरा मैग्नीट्यूड सिर्फ एक ही एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो वो एक एक्सियल वेक्टर है. अब जो दूसरे टाइप का वेक्टर होता है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, नाउ इट इज प्लेनर वेक्टर और टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल वेक्टर, प्लेनर वेक्टर और टू डायमेंशनल वेक्टर. टू डायमेंशन यानी अब ये दो डायमेंशन मिला के, एक डायमेंशन का मतलब है एक पर्टिकुलर एक्सिस, दो डायमेंशन यानी अब दो एक्सिस पे आने वाला. तो अब सर क्या दो एक्सिस पे आएगा क्या, कैसा बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं. टू डायमेंशनल यानी एक प्लेन पे आने वाला, तो यानी वो या तो एक्स और वाई प्लेन पे आ जाए. तो जैसे कि मैंने ये एक फोर्स वेक्टर बना दिया 10 न्यूटन का, ये x और y प्लेन पे है, दिस इज अ प्लेनर वेक्टर, सो इट इज ऑन x एंड y प्लेन. अब इसका एक ही कंपोनेंट x एक्सिस पे या y एक्सिस पे दिख रहा है कि यहां जैसा नहीं दिख रहा भाई, इसका तो यहां भी कंपोनेंट होगा, यहां भी होगा, दोनों तरफ कुछ कुछ भाग होंगे, पर कितने भाग होंगे. मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 नहीं अभी जनरल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि यहां कुछ थीटा एंगल बना रहा है. अब इसके कुछ भाग, इसका कुछ कंपोनेंट, इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस पे भी है, वो कैसे निकालें. तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और ये जो पार्ट आएगा इधर, दैट इज एफ का पार्ट है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसका नाम है एफ एक्स. और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो यहां इस तरफ वाई एक्सिस के अलोंग आना है, एफ का पार्ट है, तो उसका नाम है एफ वाई. So this is fx, this is fy, this is fx, this is fy. What is fx? fx. What is fx? fx is what? It is component of force f along x-axis. Component of force f along x-axis. And what is fy? It is nothing but component of force F along Y axis. This is component along X axis, this is component along Y axis. तो ये Fx, ये Fy components हैं, Fx, Fy components हैं, एक है X axis के along, एक है Y axis के along. तो यहां आप एक बात समझो कि यहां अब इस फोर्स का, क्योंकि एक प्लेनर वेक्टर है, ये एक प्लेन पे लाई कर रहा है, ये एक्स और वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है, कुछ पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग है. दिस एफ एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, एफ वाई इज द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग वाई एक्सिस. सो इन जनरल वेक्टर एफ, अब वेक्टर एफ अकेला एक्सियल वेक्टर नहीं, एक्सियल रहता तो डायरेक्ट लिख देते एक ही पार्ट था, 10 न्यूटन x एक्सिस पे पड़ा था तो 10 i कैप लिख दिया, पर अब इसका कुछ भाग fx x एक्सिस पे पड़ा है और fy y एक्सिस पे पड़ा है. सिर्फ x एक्सिस पे होता तो ऐसा लिख देते, सिर्फ y पे होता तो ऐसा लिखते, सिर्फ z पे होता तो ऐसा लिखते, पर यहां कुछ x पे है कुछ y पे है, तो x वाले को x जैसा लिख दो भाई, x वाले को x जैसा लिख दो. x पे कितना पड़ा है, तो ये पड़ा है fx और वो हो जाएगा i कैप. क्या इतने में वेक्टर f खत्म हो गया, क्या वेक्टर f खत्म हो गया, क्या वेक्टर f खत्म, नहीं नहीं सर, ये तो सिर्फ एक्स हुआ, वाई में भी तो है, तो प्लस कर दो, उसी का पार्ट है इसलिए प्लस कर दो, प्लस कर दो, कितना प्लस करोगे, एफ वाई, और वो किस डायरेक्शन में है, वो है जे कैप. तो ये लिख दिया आपने वेक्टर एफ.
सोचो कुछ भी नहीं है। पहले सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस था यहाँ, तो डायरेक्ट लिख दिया एफ एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के लिए लिख दिया, जेड के लिए लिख दिया। अब यही फोर्स जो है ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। एफ एक्स और एफ वाई इनको मिला के हमारे पास वेक्टर एफ बना है, तो हम एफ एक्स आई कैप लिख सकते हैं प्लस एफ वाई जे कैप लिख सकते हैं। बट सर ये एफ एक्स और एफ वाई की कुछ वैल्यू भी तो होंगी। मैं अभी के लिए स्टैन न्यूटन को हटा देता हूँ, जनरल जनरल सॉल्व करते ना अपन। बिल्कुल एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू तो होंगी। सो कैलकुलेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो ये परपेंडिकुलर है, थोड़ा सोचोगे तो ये एफ एक्स भी एक वेक्टर है, ये एफ वाई भी एक वेक्टर है, और ये इसका रिजल्टेंट है, ये एफ एक्स, ये वाला एफ वाई, ये भी तो एफ वाई ही है, एफ एक्स प्लस एफ वाई इज एफ। ये देख लो ना, ट्राइंगल लॉ से दिख जाएगा, एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर इज एफ, एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर इज एफ, एफ इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये वो ट्राइंगल लॉ ही दिख रहा है यहाँ पे। इस एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ थीटा दिया है और इसकी लेंथ एफ दी हुई है, ये जो है एफ, ये इसकी लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। हाइपोटिनस दी हुई है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटिनस है, ये वाली साइड एडजेसेंट, एफ वाई है अपोजिट, ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड। क्या करें, हाइपोटिनस दी है, अपोजिट और एडजेसेंट निकालनी है, थीटा दिया है, हाइपोटिनस और एडजेसेंट का कोई रिलेशन होगा, हाइपोटिनस और अपोजिट का कोई रिलेशन होगा। सो फॉर एफ एक्स वी कैन यूज एडजेसेंट साइड यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, सो एफ एक्स इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा, एफ वाई अपोजिट है, साइन थीटा में आएगा, साइन थीटा इज वॉट, अपोजिट इज एफ वाई अपॉन एफ, सो एफ वाई इज एफ साइन थीटा। ये लो आ गया। कैसे कर रहे हैं सर? बड़ा सिंपल है, कुछ चीजें याद रखो, एफ एक्स आ गया एफ कॉस थीटा, एफ वाई आ गया एफ साइन थीटा। तो अभी हम इसको बड़ा सिंपल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको देख सकते हैं, एफ का क्लोज होने वाला ये थीटा, देखो ये थीटा, इसको याद रख सकते हो, ये एफ थीटा क्लोज कर रहा है, क्लोज करने वाला कंपोनेंट, जहाँ थीटा क्लोज हो ये एफ को ऐसा झुकाओगे तो एफ एक्स मिलेगा, जहाँ थीटा क्लोज हो, क्लोज वाला कॉस, यानी एफ एक्स जो होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और जहाँ थीटा ओपन हो रहा है दैट इज एफ वाई एंड दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बस इसको यहाँ ध्यान रखना है ऐसा, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इज क्लोजिंग, देन एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज व्हेन थीटा इज ओपनिंग, एफ वाई इज एफ साइन थीटा। कभी कभी किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या हमेशा सर एफ एक्स ही एफ कॉस थीटा होगा और एफ वाई एफ साइन? नहीं भाई नहीं, अगर यहाँ इसके इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा दिया तो ये बात है, अगर ये इसके साथ थीटा दिया होता वाई एक्सिस के साथ तो फिर ये एफ क्लोज इधर हो रहा होता, तो ये एफ वाई एफ कॉस थीटा बन जाता और एफ एक्स एफ साइन थीटा बन जाता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि थीटा किस एक्सिस के साथ है, किसी वेक्टर का थीटा किस एक्सिस के साथ है, जो थीटा हमें किसी एक्सिस के साथ दिया है वो किसके साथ है वो देखो, और जिस एक्सिस के साथ दिया है वहां क्लोज होने वाला कंपोनेंट लगा दो, जहां ओपन हो रहा है वहां साइन लगा दो, सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ वैल्यू है, ऐसा कुछ वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में होने के कारण एफ एक्स एफ वाई ऐसा बन गया, तो ये एफ एक्स एफ वाई बन गया। मैं ऐसे ही एक और कंपोनेंट वाली बात कर लेता हूं तुमसे, मैं इसको क्या करता हूं, ये वाई और ये वाला जेड प्लेन ले लेता हूं, यहां पे मैं कोई वेलोसिटी वेक्टर लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड का, अभी अभी पता चल जाएगा कि आपको क्या समझ में आया है, ये 30 डिग्री का एंगल ले लेता हूं, इसको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ। मेरा क्वेश्चन है इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, इसका हो गया होगा मेरे ख्याल से, आई कैन रब दिस थिंग है ना, मैं इसको मिटा देता हूं, उस तब तक आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, फटाफट लिखो
फास्ट लिखो, एकदम मज़ा आएगा, लिख के बताओ। अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, बात तो हमेशा अच्छी रहेगी क्योंकि बात बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी लिख पाए हैं तो लिख लो, मैं तब तक एक और चीज़ बता देता हूँ। दिस इज सम एक्सेलरेशन वेक्टर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 45 डिग्री, नॉट दिस टाइम, लेट इट बी 45 डिग्री एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस केस में देखें अगर क्या होता है, इस केस में देखा जाए तो क्या मिलता है, वेलोसिटी वेक्टर हो गया होगा तो वहाँ एक्सेलरेशन वेक्टर भी लोग लगा लें। यहाँ देख सकते हो आप वेलोसिटी है, फिर वही बात करो सर यहाँ से कंपोनेंट डाल देंगे एक, फिर यहाँ से भी एक कंपोनेंट डाल देंगे। ये वाला एक्स वाई एक्सिस में आ रहा है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसलिए वी हो गया और वाई के अलॉन्ग है इसलिए वी वाई नाम रख देंगे, और ये वाला भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है पर जेड के अलॉन्ग है इसलिए इसका नाम रख देंगे वी जेड। अब बहुत सिंपल है काम, यहाँ से आपको लेना है कंपोनेंट यानी वी वाई की वैल्यू निकालनी है। ये वाला थीटा 30 डिग्री दिया है, वी वाई अब इस थीटा का एडजेसेंट साइड है तो यहाँ आप देख लो वही बात आती है कि ये वाला वी जो है ये क्लोज हो रहा है यहाँ, क्लोज 30, क्लोज कॉस 30, कॉस 30, वी वाई इज इक्वल टू कॉस 30। कोई कोई बच्चे क्या करते पता है, वी वाई कॉस 30 याद रख लेते, कॉस 30 क्लोज है तो कॉस है, अरे भाई कॉस 30 किसका, तो वी का ना, तो वी वाई को वी कॉस 30 लिखोगे, बहुत सारे ये वी खा जाते, थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो यार। जिसका कंपोनेंट ले रहे उसी को खा गए, जिसका बर्थडे उसी को पार्टी में नहीं ले गए खुद चले गए, जिसका बर्थडे उसी को पार्टी में नहीं ले गए, इसके दुष्परिणाम आएंगे सामने, बिल तुम्हें खुद देना पड़ेगा। जिसका बर्थडे उसी को पार्टी में नहीं ले जाओगे तो बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा, एटलीस्ट जिसका बर्थडे उसे इसलिए ले जाओ पार्टी में क्योंकि बिल तो वही देगा, बाकी सब छोड़ दो। तो जिसका कंपोनेंट ले रहे हो उसी को नहीं लाओगे तो फिर कॉस थीटा लिख के करोगे क्या, वी वाई इज वी कॉस 30, वी का वैल्यू है 10, कॉस 30 इज रूट 3/2, सो यू कैन कैंसिल इट, 5√3 इज वी वाई, दिस इज वी वाई एंड वॉट इज वी जेड, सो मैं थोड़ा इधर का स्पेस लिख लेता हूँ, वी जेड इज इक्वल टू वी साइन 30, सो वॉट इज वी, इट इज 10, साइन 30 इज 1/2, दैट इज 5 वी जेड। आपके पास वी जेड आ गया, वी वाई आ गया, नाउ जस्ट राइट द वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर वी इज वी वाई, वी वाई इज 5√3, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इन दिस वे यू कैन राइट अ वेक्टर, यू कैन राइट अ प्लेनर वेक्टर एंड दिस वेक्टर लाइज इन, सॉरी वाई का मतलब जे होगा और जेड का मतलब के होगा। This vector lies in yz plane and you are getting two components of this vector along y and z axis only. Obvious hai. If any vector is lying on yz plane then the two components will come along y and z axis only. Definitely x axis mein to kuch aayega nahi kyunki wo plane, wo vector hi yz plane mein rakha hai bhai. To ye ek masla ho gaya, ye ek baat ho gayi. Ab yahan dekho zara ye wali baat. Sabse pehla question, ये वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन है ये प्लेन कौन सा है, तो ये है एक्जेड प्लेन। एक्जेड प्लेन में अगर ये लाई कर रहा है तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब मैं अगर इसको 45 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन का वेक्टर है यानी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है इसलिए इसका नाम ए एक्स कहलाएगा, और एक्सेलरेशन का जेड के लॉन्ग कंपोनेंट है तो इसका नाम ए जेड कहलाएगा। अब ऊपर से 45 दिया तो इधर आ जाएगा cos, यानी ए एक्स विल बी व्हाट, ए cos 45, ए एक्स विल बी ए cos 45, जहां थीटा cos क्लोज होगा उसे cos, कोई कोई बोल सकता है, कोई एकदम होशियार बच्चा, सर ये भी तो 45 होगा ना, दोनों 90 तो 45 होगा ना, तो ये वाला भी तो ए cos 45, हाँ होगा भाई, ए cos 45 या ए sin 45 एक ही चीज होगी क्योंकि sin 45 cos 45 एक ही वैल्यू होती है, तो आप इसको ए sin 45 भी लिख सकते हैं और इसी को आप az भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे,
यानी ax will be equal to az will be equal to a, that is 15 cos 45 is 1 by root 2, that is nothing but 15 by root 2, and vector a you can write it as, vector a you can write it as ax, that is 15 by root 2 I cap plus 15 by root 2 k cap. In this way you can write a planar vector. In this way you can write a planar vector. ठीक है, तो ये हो गए basically planar vector, axial vector हो गए, planar vector हो गए. अब इसके बाद हम 3D vector, एक इसका last part फटाफट से देखते हैं इसको, इसको मिटाता हूँ मैं. ठीक है, so this is all about axial vector, planar vector. I hope ये आपने लिख लिया होगा, फटाफट लिखें. वीडियो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाना है. ठीक है ना, सो इसके लिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. तो अब आता है हमारे पास 3D वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर. अब जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है ना, उसको थोड़ा यहाँ क्या बोलते हैं, इस टू डायमेंशनल बोर्ड पे, ये जो मैं बोर्ड वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये टू डायमेंशनल बोर्ड है. देख लो ना, इसके भी पास एक एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस है. एक्स वाई बोल दो, वाई जेड बोल दो, जेड एक्स बोल दो, बट दो ही एक्सिस है ना. तो इस बोर्ड पे 3D वेक्टर को बना पाना थोड़ा मुश्किल है ना. हम 3D वेक्टर तो नहीं बना पाएंगे यहाँ, है ना, पर हम कोशिश करेंगे कि 3D जैसा कुछ बना दें. ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा उसे. ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर उसको बनाते हैं. और कोई भी जनरल वेक्टर जब हम देखेंगे ना, तो आपको वैसे तो 3D वेक्टर ही देखने मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसा कोई टफ वाली चीज़ नहीं आती उसमें, है सिंपल ही चीज़, बट आपको 3D वेक्टर देखने मिलेंगे. ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर. ठीक है, अच्छा सर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर थोड़ा इमेजिन करवाइए कुछ नहीं. आप जिस रूम में बैठे होंगे, उस रूम में दो कॉर्नर्स अज्यूम कर लीजिए. कौन से अज्यूम करें, तो वैसे जो दो कॉर्नर्स अज्यूम करिए जो सबसे ज्यादा दूर हो. आप जिस रूम में बैठे होंगे, वैसे उस रूम में दो कॉर्नर अज्यूम करें, और वो ऐसे दो कॉर्नर अज्यूम करें जो सबसे ज्यादा दूर पे हो, सबसे ज्यादा दूरी पे हो. सर नहीं हो पा रहा है, वो तो मुझे पता है, सबसे ज्यादा दूरी पे. चलो आपके घर के रूम को बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर रूम बनाया जाए तो इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. लेट्स सी, अभी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं तुम्हें 3D फिगर दिखा देता, 3D एक बता देता बना के, पर लेट इट बी. चलो कोई इशू नहीं है, हम इसको ही 3D पे, इसी इफेक्ट को 3D इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे. तो ये मानो कि ये ओरिजिन है. ये जो नीचे साइड बनाया, ये आगे का फेस है, ये पीछे वाला फेस है. पीछे पे ओरिजिन ले रहा हूँ मैं ओरिजिन ले रहा हूँ पीछे. ठीक है, और ये जो रीजन है जिसको मैं थोड़ा ब्लू शेड कर देता हूँ, ये बाहर का फेस है. यानी ये जो ब्लूइश शेडिंग है, ये इस बोर्ड से बाहर निकली हुई है. और जो बोर्ड पे है, बोर्ड पे है, वो एक्सेस कौन सी है, देखो फिर से मैं इसको रिट्रेस कर रहा हूँ. ये जो मैं बना रहा हूँ, फिर से बनाया, जिनके ऊपर एक और लाइन बना दी है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे है, ये है बोर्ड पे. ठीक है, ये बोर्ड पे है. सो लेट इट बी एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई, एंड दिस इज कमिंग आउटसाइड, एंड दैट्स वाई इट इज जेड एक्सिस. तो मैंने कहा वो दो कॉर्नर अज्यूम करो जो सबसे ज्यादा दूर हैं, तो ये बाहर वाले फेस का कॉर्नर और ये अंदर वाले फेस का कॉर्नर. आप जब इस बाहर वाले और इस अंदर वाले फेस के कॉर्नर को जोड़ोगे, तो उसे कहा जाता है बॉडी डायगोनल, उसे कहा जाता है बॉडी डायगोनल. दिस इज अ बॉडी डायगोनल, 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 बॉडी डायगोनल. इसका मतलब पता है क्या है, अभी थोड़ा अज्यूम करना, ये वाला बोर्ड का फेस, ये जो सामने बनाया, थोड़ा सा ऐसा बता देता हूँ, देखो ऐसा, ये बाहर निकला हुआ फेस, ये बोर्ड पे है, ये वो वाला प्लेन, ये बाहर वाला प्लेन, ऐसा देखो,
अब यहाँ जो कॉर्नर है वो बोर्ड पे है, वो ओरिजिन है मेरा यहाँ वाला, और यहाँ से मैं इस कॉर्नर पे जा रहा हूँ यानी डायगोनल बना रहा हूँ। तो इस बात को थोड़ा सोचो, अभी कैसा तुम लोग अगर यहाँ क्लास में बैठे होते ना तो मैं ऐसे ही दिखा देता, मेरे इधर वाला कॉर्नर और वो उधर वाला कॉर्नर। थोड़ी मेरे हाथ के डायरेक्शन से समझने की कोशिश करो, एक इधर वाला कॉर्नर और एक उधर वाला कॉर्नर, इसको जोड़ दूंगा तो दिस विल बी अ बॉडी डायगोनल। ये जो दीवार है जिस पे बोर्ड लगा है, ये है मेरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और वो जो अपोजिट वाली दीवार है वो ये है शेडेड वाली। तो अपोजिट वाली दीवार का एक कॉर्नर यानी वो कॉर्नर, और जहां मैं खड़ा हूं बोर्ड वाली दीवार का एक कॉर्नर यानी ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और वो कॉर्नर जोड़ दिया मैंने। तो ये जो वेक्टर है ये एक 3D वेक्टर है जो इस कॉर्नर से निकल के उस कॉर्नर तक जा रहा है। बहुत सारी फेस डायगोनल्स भी हैं। फेस डायगोनल क्या होती है, मैं एक और नाम समझा देता हूँ। ये जो डायगोनल है ना, ये जो एक फेस पे आती है सिर्फ, दिस इज अ फेस डायगोनल, एक फेस यानी जो क्यूब का एक फेस सामने है उस पे जो डायगोनल बनेगी, बहुत सारी है, एक यहां बनी, एक यहां बनी, हर फेस पे एक बन जाएगी। क्यूब के ऊपर कितने फेस बना सकते हो, चार और दो छह, तो छह डायगोनल तो वैसी बन जाएगी बॉडी डायगोनल। एक ये बन गई तो एक ये यानी वही दूर दूर वाले कॉर्नर्स की है ना, तो आप वैसे भी बना सकते हो। तो बॉडी डायगोनल्स फेस डायगोनल्स है ना, तो इस तरीके से। अब ये जो बॉडी डायगोनल बना रहा है ये मेरा 3D वेक्टर है, और अब इस 3D वेक्टर में कुछ बातें समझ लें। अल्फा बी द एंगल, दिस इज समथिंग सम वेक्टर आर यू कैन से मेड बाय वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस। बीटा बी दी एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ वाई एक्सिस, एंड गामा बी दी एंगल मेड बाय वेक्टर आर विथ जेड एक्सिस। यहां तक पहले तो समझ लो, अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 एंगल्स मेड बाय दिस वेक्टर आर। तो ये देखो देखो जरा ध्यान देना है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कुछ बनेगा तो ये ऐसा बनेगा कुछ बीटा, और ये यहां जेड के साथ बनेगा तो ये कुछ बनेगा गामा। सो दिस आर एक्स बी द कंपोनेंट आर एक्स आर वाई आर जेड बी द कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स के साथ अल्फा बनाया, आर एक्स आर वाई आर जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देयरफॉर आर एक्स विल बी आर कॉस अल्फा, आर एक्स विल बी आर कॉस अल्फा, आर एक्स विल बी आर कॉस अल्फा, विच इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा इज आर एक्स बाई आर, आर वाई विल बी आर साइन अल्फा विच इंप्लाइज दैट सॉरी आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा सॉरी बिकॉज वाई एक्सिस के साथ बीटा ना, तो आर वाई इज आर कॉस बीटा, सो कॉस बीटा इज आर वाई बाई आर, एंड आर जेड विल बी आर कॉस गामा, सो इट विल बी कॉस गामा इज आर वाई बाई आर, आर जेड बाई आर सॉरी। सो इस तरीके से हम लोग देखो ये रिलेशन देख सकते हैं, और जो कंप्लीट वेक्टर आर है दैट विल बी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, दिस कंप्लीट इज वेक्टर आर, बट यू नो आर एक्स इज आर कॉस अल्फा, सो यू कैन राइट इट एज आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसके अलावा
आप अगर चाहो तो इसमें एक रिलेशन और है, एक रिलेशन और है। इसको अगर मैं इक्वेशन वन कह दूं, इसको मैं वन कह दूं, इसको टू कह दूं, ये वाले को ये वन, ये टू और ये वाला थ्री, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री। अब इनको अगर स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब अगर इसको यहां से मिटाएं और इसको थोड़ा देखें यहाँ एडजस्ट करके, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो एक चीज़ और दिखेगी कि आर है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये जो आर एक्स आर वाई आर जेड है थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप हमने लिखा है इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं यहाँ बताता हूँ एक, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान देना, एक्चुअली ये जो आर वैक्टर है ये पीछे से निकल के आगे तक आ रहा है। तो अगर हम यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, किस प्लेन पे, ये वाला हमारे पास जेड प्लेन है, सॉरी जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया है। अब अगर आप देखो तो इस आर को, अगर मुझे इस आर की लेंथ को निकालना है तो कैसे निकाला जाए, तो देखो जरा ये हुआ क्या है कि ये जो है ये वैक्टर बाहर की तरफ आ रहा है ना, ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर हम इस वाली लाइन को पहले तो इसके साथ जोड़ दें, इस वाली लाइन को पहले तो इसके साथ जोड़ दें, देखो ये वाली लाइन, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये तो इस प्लेन में, ये y xz प्लेन में परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन इसी प्लेन में है, तो ये वाला भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो जरा भाई सुनो, xz प्लेन में ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर ही है, जैसे नीचे वाला ग्राउंड तुम्हारे घर में रूम में फ्लोर, उससे वो वाले कॉर्नर से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो अपने नीचे वाले फ्लोर से परपेंडिकुलर है ना, सोचो, तो ये अपना नीचे वाला फ्लोर हो गया है ना जिस पर हम चल पा रहे खड़े हैं, तो ये जो लाइन है वो कॉर्नर से नीचे अगर वर्टिकल डाउन करोगे, देख लो अपने घर की दीवारें सीधे नीचे देखोगे तो वो प्लेन से परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब अगर मैं इस प्लेन में ये वाले, ये दो देखो इस तरफ जो था मेरे पास ये ओरिजिन था, इस ओरिजिन से वहां तक अगर जोड़ूंगा, वहां तक अगर जोड़ूंगा तो वो वाली जो लाइन मैं प्लेन में बना रहा हूं वो वाली लाइन भी एक्चुअली इस वाली लाइन से तो परपेंडिकुलर ही होगी, एक्चुअली ये तो इस प्लेन में ही लाई करती है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर ही होगी। अब मुझे इस आर के मैग्नीट्यूड को अगर निकालना है, यानी इस लंबाई को निकालना है, तो मेरे पास अगर ये है और ये वाला है, ये वाला कितना है देखो जरा, ये वाला, ये क्या है, ये वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है आर वाई, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है वो है आर एक्स, सॉरी आर जेड, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आर जेड, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है वो कितना है, वो कहाँ है, वो यहाँ दिख रहा है, देखो ये है वो आर एक्स। तो अब इसको मैं थोड़ा यहाँ नहीं बनाता, यहाँ बनाता हूँ, दिस इज आर एक्स, ठीक है, this is rx, this is rz, this is ry, okay। अब अगर मैं देखूं तो ये वाला अगर ry है तो ये वाला भी ry है, और मुझे ये r निकालना है, ये r, ये ry और ये वाली लेंथ एक, पर ये वाली लेंथ जो है मुझे इस वाले प्लेन में, देखो कौन से प्लेन में, xz प्लेन में डायगोनल दिखती है, अगर xz प्लेन में ये डायगोनल दिखती है तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, कैसे आएगी, तो मेरे पास देखो ये rx है, ये rz है, यानी मैं इसको भी rz कह सकता हूँ, ये वाली भी तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस है,
ये हाइपोटेनस है तो ये आर एक्स और आर जेड की हाइपोटेनस है, तो ये अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर हो जाएगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर ये वाली हो जाएगी, और ये वाली आर वाई है, और फिर से ये जो आर है ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये एक तरह से ये वाली हाइपोटेनस भी बन गई क्योंकि ये 90 है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर आर इज अंडर रूट ऑफ ये वाले का स्क्वायर, यानी कितना आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर का भी स्क्वायर के सॉरी रूट का स्क्वायर, इसका रूट था ना, इसको फिर से लिखते हैं, इसको देखते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर और इसके रूट का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर यानी आर वाई का स्क्वायर। थोड़ा सोचो, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये नीचे वाले प्लेन में देखोगे तो ये आर जेड, तो ये आर जेड, ये आर एक्स, तो ये वाला ट्राइंगल देख लो तो ये उसका हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस यानी अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर ये। अब ये वाले ट्राइंगल में हमें आर निकालना था तो अगेन ये 90 डिग्री तो आर उसका हाइपोटेनस, तो ये आर वाई यानी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस अंडर प्लस इसका स्क्वायर इज आर, तो यही लिखा है आर इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स प्लस आर जेड, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर उस रूट का स्क्वायर कर दिया प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब ये रूट हटा दो तो आर इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये वेर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 3D, थ्री डायमेंशनल वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड है ये। अब ये जो R है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब है अपने पास, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर वन बोल दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर टू बोल दूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैं स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर टू वॉट यू विल गेट, इसको स्क्वायर किया तो ये क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। आप यहां देखो इक्वेशन नंबर थ्री आ गए, इसको स्क्वायर करके इसको उठा के अगर मैं वहां रख दूं वन में, यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, यहां रख दूं अगर, थोड़ा इसको अगर लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ी जगह की जरूरत है, ठीक है। अगर उसको वहां से मैं यहां रख दूं तो देखो क्या मिलता है, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, एंड दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहां ये जो आपने लिखा था ना वन टू एंड थ्री, एक इंपॉर्टेंट बात और लिखना है, यहां ही लिखना, ये इसको ऐसा लिखना, इधर लिखना दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी वेक्टर के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाते हैं, नाम याद रखना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, कॉस अल्फा इज आर एक्स बाई आर, कॉस बीटा इज आर वाई बाई आर, कॉस गामा इज आर जेड बाई आर। तुम्हें ना कोई भी एक वैक्टर दे देंगे, ठीक है ना, कोई भी एक वैक्टर दे देंगे, बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। अच्छा, उसी डायरेक्शन कोसाइंस के सारे के स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो उनका सम आता है वन, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, वेरी सिंपल थिंग। तो मुझे ना दो तीन चीजें बतानी है, और थोड़ा सा वीडियो की लेंथ लंबी है, पर इस वीडियो को देखें जरूर, इसमें बहुत सारी काम की चीजें बता रहा हूं, इसको लिख देंगे, पहले इसको लिख दिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये डायरेक्शन कोसाइन वाली बात को समझ लो, ये डायरेक्शन कोसाइन नोट डाउन करके रखना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा,
आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर आर। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बात और कहूँगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा। फॉर वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। ठीक है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये भी कर लेंगे। एक और एक क्वेश्चन, इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है ना, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये करते हैं, पहले इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, करते हैं इसको। ये सब बना लिया होगा आई होप तुमने। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, वेक्टर आर, दैट इज आर इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। है ना, बस ये एक बात समझें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर में है, बट आप यानी थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक टू डायमेंशनल वेक्टर में एक चीज़ को ऐड कर लेना है ना, जैसे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है वैसे टू डायमेंशनल का भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो वो निकालना हमें वैसे तो टू डायमेंशनल के साथ ही था, पर वो मैंने तब निकाला नहीं है, बट अभी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चीज़ टू डायमेंशनल वेक्टर में ऐड करना, ये टू डायमेंशनल वेक्टर जो हमने इसके जस्ट पहले लिखा था ना उसमें ऐड करेंगे, यानी प्लेनर वेक्टर में ऐड करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लेनर वेक्टर में ऐड कर देंगे इसको। कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड की बस बातें बतानी थी। आपको पता है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने कोई जनरल एक वेक्टर ए ले रखा है, तो यहाँ इसका एक कंपोनेंट ये थीटा एंगल है अगर, सो एक्स एक्सिस है इसलिए ए एक्स यानी ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस इज ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। तो अब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए तो आपने लिखना सीख लिया, वेक्टर ए इज़ व्हाट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये बड़ा सिंपल है, ये अभी हमने 3D में देखा, ये उससे भी सिंपल है, ये तो 2D में ही है। तो ये हाइपोटेनस है, ये लेंथ ए हो गई। अगर मुझे ए निकालना है तो ए एक्स है ये, और ये वाला ए वाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ एक बात समझ के चलना है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू डायमेंशनल वेक्टर, है ना। एक चीज़ है, अगर कोई वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप दिया है तो बस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ एक और चीज़ लिख लेना, ए एक्स एंड ए वाई आर द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स हैं वो। ठीक है, पूरा आई कैप मत लिखना यहाँ, यानी सिर्फ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, आई कैप मत चिपकाना। कुछ बच्चे यहाँ आई कैप भी लगा लेते हैं, भाई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसमें डायरेक्शन का क्या काम। कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है, आई कैप एंड जे कैप। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, एंड थोड़ी एक चीज़ को ध्यान रखें, इसके नीचे एक और चीज़, थ्री डायमेंशनल फॉर थ्री डी वैक्टर, थ्री डी वैक्टर के लिए क्या होता है, फॉर थ्री डी वैक्टर अगर कोई वैक्टर ए है तो उसको आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तीन कंपोनेंट है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, और अगर कोई वन डायमेंशनल वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर ए इज जस्ट ए एक्स आई कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए यानी ए एक्स ही रहेगा फिर, तो
है ना, क्योंकि उसका तो x ही कंपोनेंट x, यानी वैसे उसको ए एक्स ना लिख के तुम ए भी लिखोगे तो एक ही बात है, क्योंकि उसके दूसरे किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, द कोएफिशिएंट, सॉरी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। और अब मैं थोड़े से वो जो दो तीन क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, और इसी वेक्टर वाले, इसी रेजोल्यूशन वाले का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इसको लिखा होगा आपने टू डायमेंशनल वेक्टर में, आई होप। इसके बाद अब जो है विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल स्टॉप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर रुक जाएंगे। तो यहाँ पे वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको निकालनी है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। तो आपको एक्चुअली कॉस अल्फा निकालना है जो ए एक्स बाई ए होता है, कॉस बीटा निकालना है जो ए वाई बाई ए होता है, और कॉस गामा निकालना है जो ए जेड बाई ए होता है। सो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, तो आप इतना पहचान सकते हो कि ए एक्स यानी टू है, ए वाई यानी थ्री है, और ए जेड यानी माइनस फाइव है, इतना पहचान सकते हो आप। और जो ए है, ए ए यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल वेक्टर, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अभी अभी बताया, लिख के रखेंगे उसे। ए एक्स स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 34 और 4 यानी रूट ओवर 38। तो अब आप लिख सकते हो कॉस अल्फा क्या है, ए एक्स बाई ए दैट इज 2 डिवाइड बाई रूट 38, कॉस बीटा इज ए वाई बाई ए दैट इज 3 बाई रूट 38, एंड कॉस गामा इज ए जेड दैट इज माइनस 5 बाई रूट 38, है ना। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन यू कैन से दे आर वेरी सिंपल, है ना, मेरे ख्याल से वो ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ये। अगले क्वेश्चन, अगले वाले वीडियो में इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ, टिल द टाइम आप सॉल्व करें इन्हें, ठीक है ना। ओके चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद, गुड बाय, है ना। और अगले वीडियो में जरूर मिलना सबने, फिर अगले वीडियो में पार्ट नंबर 11 डिस्कस करते हैं। गुड बाय।